वार्ड प्रतिज्ञा के अगले चरण में हमारे साथ है हेमेंद्र खोवाल। हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने बात की है हेमेंद्र खोवाल से। आखिरकार हेमेंद्र खोवाल ने चुनावों से पूर्व जनता से क्या वायदे किए थे और वो इन वादों को किस तरह से पूरा कर पाएंगे, क्या वो अपने वायदे निभा पाएंगे या फिर वादे वादे ही रह जाते हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 39 से पार्षद हैं धर्मेंद्र हेमेंद्र सिंह खोवाल। खोवाल साहब, स्वागत है आपका वार्ड प्रतिज्ञा कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। क्या वार्ड प्रतिज्ञा आपकी रहेगी एवन टीवी के इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या बताना चाहेंगे आप वार्ड वासियों की जो आपने प्रतिज्ञा चुनाव के समय की? हमारे वार्ड में सीवरेज की समस्या, आधे वार्ड में सीवरेज की समस्या है, जो अभी तक सीवरेज वहाँ लगाई नहीं गई है, सीवरेज लाइन लगाई नहीं गई है। तो मेरी प्रतिज्ञा है कि उस वार्ड में पूरे में सीवरेज का काम मेरा प्राथमिकता से करवाया जाएगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मेरे साफ सफाई पर विशेष फोकस रहेगा कि साफ सफाई वार्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया से बढ़िया स्वच्छ और साफ सुथरा मेरा वार्ड रहे। और लाइट का सवाल है, लाइटें मैंने रिपेयर कराना चालू कर दिया है, रिपेयर का काम भी चल रहा है, नई लाइटों का काम भी चल रहा है। और वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस पर मेरा विशेष फोकस रहेगा। और कुछ कॉलोनियों में सड़क के थोड़े से डिस्टर्बेंस है, सड़क का रास्ते का थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शर्मा कॉलोनी वगैरह है हमें, तो उसमें मैंने वादा किया है कि वो मैं उनको रास्ता दिलवाऊंगा और उसमें सड़क का कार्य करवाऊंगा। आमतौर पर शहरी सरकार जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनमें जनता की अपेक्षाएं रहती हैं कि जो उनके लोकल मुद्दे हैं गली के मोहल्ले के, उनको सॉर्ट आउट किया जाए। तो लोगों से जो आपने वादे किए उन वादों पर पूर्ण रूप से कितना खरा उतर पाएंगे आपको कितनी? बिल्कुल, मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट से ही काम शुरू कर दिया है। लाइट की समस्या और सीवरेज ब्लॉकिंग की समस्या मैंने बिल्कुल जोर शोर से काम शुरू कर रखा है उसमें। और सीवरेज का काम भी हमारा चल रहा है, साफ सफाई का भी हमारा काम चल रहा है और लाइटिंग का भी हमारा काम चल रहा है। सभी काम हमारे बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है हमें। और आगे भी हम और सुविधा हमें मिलने को है और अच्छे से अच्छा काम करेंगे हम। कांग्रेस पार्टी से आप चुने गए हैं, पार्षद पार्टी ने आपको विश्वास जताया, सिंबल दिया और चुनाव जीत कर आए हैं। जनता से आपने वादे किए कि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, तो पार्षद कांग्रेस पार्टी का जीता, मेयर कांग्रेस पार्टी का बना दिया, विधायक कांग्रेस पार्टी का, सरकार कांग्रेस पार्टी का, आपको लगता है कि इन सब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो और ज़्यादा अधिक फायदा? निसंदेह मुझे भी मिलेगा और जनता को मिलेगा, जनता को पूरा फायदा मिलेगा। कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ करके मुझे जिताया, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। क्या मानते हैं पिछले जो आपके पार्षद रहे, जो जनप्रतिनिधि आपके वार्ड के रहे, ऐसी कोई समस्याएं जिन पिछले कार्यकाल में नहीं पूरी हो सकी हो और उन्हें आप प्राथमिकता से लेंगे? देखिए, जो मुझे मेरे वार्ड के अभी 3 हिस्से हो गए हैं और जो मेरे अभी नया वार्ड जुड़ा है वो बीजेपी का था, उसके अंदर ना तो कोई सीवरेज है और ना सड़क है। तो मेरी प्राथमिकता जो मेरे वार्ड में जुड़ा है उस वार्ड के अंदर मैं सीवरेज का काम प्राथमिकता रहेगी और उसमें भी जैसे मेरा 80% जो वार्ड है उसमें अभी कोई समस्या नहीं है, सीवरेज की पानी की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ वार्ड पार्षद कांग्रेस के थे और उन्होंने काम भी करा है। और अब जो जुड़ा है शर्मा कॉलोनी है, दुर्गा विस्तार है, पार्क व्यू है, कांता कॉलोनी है, उनमें सीवरेज आज तक नहीं है। अब मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं उनमें सीवरेज का काम जल्द से जल्द शुरू कराने की कोशिश करूँगा। तो ये थे हेमेंद्र सिंह खोवाल, वार्ड 39 से जयपुर हेरिटेज के पार्षद हैं और जिनका कहना है कि जयपुर शहर की जनता से जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किए थे, उन्होंने अपने वार्ड में जनता से जो वादे किए हैं, पूरे गली के बात हो या मोहल्ले में, जिस तरह से बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सीवरेज के जो मामले हैं उनको पहली प्राथमिकता से सॉर्ट आउट किया जाएगा, उन्होंने शपथ लेने के साथ ही ये प्रतिज्ञा की। और जो बिजली, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो या फिर सीवरेज की समस्या की बात हो, वो प्राथमिकता से उन्होंने अपने हाथ में लिया और वार्ड प्रतिज्ञा कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने पूरी जानकारी साझा की है कि किस तरह से वो वार्ड की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। एवन टीवी के इस खास कार्यक्रम वार्ड प्रतिज्ञा में हमने अलग अलग पार्षदों से बात की है, हमारे संवाददाताओं ने बात की है और जाना है आखिरकार उन पार्षदों ने चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव लड़ते समय क्या क्या वायदे किए थे और चुनाव जीतने के बाद वो अपने वादों को निभाने के प्रति क्या सोच रखते हैं, वो किस तरह से जनता के वायदे पूरे करेंगे, सरकार से किस तरह से बात अपनी मनवाएंगे, क्या उन्हें सत्ता में अब उनकी संयम पार्टी होने से उन्हें फायदा मिलेगा या फिर विरोधी पार्टी होने के नाते उनको या उनके इलाके की जनता को किसी तरह का नुकसान झेलना पड़ेगा, तमाम बातें इस वार्ड प्रतिज्ञा के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इस वार्ड प्रतिज्ञा का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम आपके द्वारा चुने हुए
उन पार्षदों की हकीकत आपके सामने रख सकें, उनकी प्रतिज्ञा आपके सामने रख सकें कि आखिरकार जिन पार्षदों ने आपसे जो वायदे किए थे वो वायदे क्या हैं और उन वायदों को निभाने के लिए वो आपके लिए किस स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं।